है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ आपका अगर पावर बटन काम करना बंद कर दिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कि आप स्क्रीन को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो कि आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको वो सेटिंग आपको जो कि यहाँ पे कर लेना है फ्रेंड्स, उसके बाद जो कि आप अपना स्क्रीन को ऑन ऑफ जो कि कर सकते हो फ्रेंड्स ईजिली। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे जो कि पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि आपको प्ले स्टोर में आना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3-4 MB का जो कि एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये छोटा मोटा जो कि ऐप है फ्रेंड्स, ये इसको जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाय डिफॉल्ट जो कि ये बहुत ही ये अच्छे तरीके से वर्क करता है फ्रेंड्स, ये ऐप जो कि कोई दिक्कत आपको देने नहीं वाला है, सिर्फ आपको इंस्टॉल करके आपको जो कि छोड़ देना है फ्रेंड्स सेटिंग करके। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ऐप है मैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो कि पहले जो ऐप है वो मैं आपको बता देने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कि पहले आपको जो कि सर्च करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे शेक अनलॉक स्क्रीन, ठीक है, शेक अनलॉक स्क्रीन, यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे जो कि जैसे ही सर्च करोगे तो आपको जो कि ये मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसको जो कि आपको जो कि फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स, ये जो कि 2-3 MB का है फ्रेंड्स, इसको आप इंस्टॉल करके सेटिंग करके जैसे आप छोड़ दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो कि शेक करके जो कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को जो कि यहाँ पे जो कि ऑन ऑफ कर सकते हो फ्रेंड्स। दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे जो कि मैं बता दूँ फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पे डबल टैप आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डबल टैप जो कि इस लॉक को भी आप ले सकते हो फ्रेंड्स, डबल टैप करके आप अपने स्क्रीन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया दो ऐप, तो यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ वो है फ्रेंड्स, वो है शेक अनलॉक स्क्रीन, तो इसको जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स, ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, इसका जो कि मैं सेटिंग बता देने वाला हूँ। डबल टैप से ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आपको जो कि ये इंस्टॉल कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको जो कि दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो कि ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो कि ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो स्टार्ट बटन पे कर देना है क्लिक, जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो ये जो कि स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कि आपको जो कि यहाँ पे क्या काम करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंसिटिविटी, यहाँ पे सेंसिटिविटी को आप यहाँ पे जो कि इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कितना हिलाने से जो कि आपका फ़ोन अनलॉक हो, तो ये जो कि आप यहाँ से जो कि चेंज वगैरह कर सकते हो फ्रेंड्स। नीचे यहाँ पे जो कि एनेबल अनलॉक, ये तो एनेबल कर दिया है हमने यहाँ से। ठीक है, पॉकेट मोड, आप अगर जाते हो फ्रेंड्स पॉकेट में हिल शेक होने से जो कि आपका अगर लॉक अनलॉक हो, तो ये आप इसको जो कि यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना फ्रेंड्स कि पॉकेट में आपका जो कि वर्क करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे दूसरा है फ्रेंड्स, यहाँ पे शेक शेक लॉक, शेक करने के बाद लॉक होना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे हाँ हमारे जो कि आप लॉक होना चाहिए, इसको जो कि हम यहाँ से जो कि एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो कि एक्टिविट यहाँ से कर देना है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे लॉक इन लैंडस्केप मोड, आप अगर चाहते हो फ्रेंड्स जैसे ही आप फ़ोन को रोटेट करोगे तो यहाँ पे जो कि लॉक हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप चाहते हो इसको एनेबल करना तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना फ्रेंड्स। क्रिएट शॉर्टकट, जैसे आप शॉर्टकट पे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि क्रिएट शॉर्टकट सक्सेसफुली आ गया है फ्रेंड्स, ये जो कि शॉर्टकट पे जो कि कुछ इस प्रकार जो कि शो करने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि मैं यहाँ पे जो कि दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पे वाइब्रेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉक अनलॉक होने से वाइब्रेट करे, इसको जो कि आप टर्न ऑन कर सकते हो फ्रेंड्स, नहीं तो इसको जो कि टर्न ऑफ भी रख सकते हो फ्रेंड्स। शो नोटिफिकेशन, आप अगर चाहते हो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में ये अगर शो करे तो इसको टर्न ऑन करके रख सकते हो, नहीं तो ऑफ कर सकते हो फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है तो आप ऑन ही रहने देना। ठीक है, तो शेड्यूल का यहाँ पे और एक है, इसको अब आप अगर चाहते हो फ्रेंड्स शेड्यूल करना, तो यहाँ से जो कि ऑन जैसे ही करोगे तो आप अपने हिसाब से इसको जो कि शेड्यूल भी कर सकते हो फ्रेंड्स, कब कब ये आपका जो कि ऑन होना चाहिए, कब कब ये ऑफ होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी देख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था कुछ सेटिंग्स फ्रेंड्स। उसके बाद जो कि इस ऐप को जैसे ही आप छोड़ दोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो कि आपका ये शेक करने के बाद लॉक अनलॉक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बस यही था सेटिंग्स फ्रेंड्स, फिर आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ये इस ऐप का जरूर आप यूज़ करना फ्रेंड्स, उसके बाद जो कि आपका इजी हो जाएगा स्क्रीन को लॉक अनलॉक करना। तो वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, सो या गया।